बैठ गए, वो मस्त लगे पड़े हैं राजकमल दा और रानी यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या भाई कैसा लग रहा है? अलर्ट गाइस, हम लोग अभी उतर गए हिंडन सिटी और लाइक 10 मिनट लेट है, 10-15 मिनट इतना तो ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के पता लग गया, मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस में। वैसे मैं बिहार वाले एक बार जनशताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था। तो ये है हमारा कोच D3, हम चार बंदे जा रहे हैं, बिग बॉस, मैं और रोनी और राजकमल दा। तो हम लोग जा रहे हैं हिंडन सिटी, काम है वेडिंग शूट के, कैसा है कैसा नहीं और प्राइस क्या है, टिकट सब दिखाता हूँ। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फटाफट जाके फॉलो करो भाई, बाकी इस ट्रैवल ब्लॉग में बने रहो। तो ऐसी है ट्रेन, वैसे बस जैसे सिटिंग एरिया वैसा ही है। और बिग बॉस तो पहली बार आए हैं दिल्ली, रोनी भी पहली बार आए हैं। और अरे अभी टाइम है 5-6 मिनट है, तो वहाँ पे दोनों बैठ गए, उनको दिखाता हूँ मैं। चेयर कार में जा रहे हैं हम लोग आज, बैठ गए, वो मस्त लगे पड़े हैं राजकमल दा और रोनी यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अभी आ रहा हूँ, अंदर आके बात करते हैं। I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. निजामुद्दीन से निकल चुके हैं और सीट ऐसा कुछ है, दोनों साइड आपको सामान वगैरह रखने के लिए मिल जाएंगे, लाइट पंखा है, नॉर्मल सीट है जैसे बस में होता है। इधर चार्जिंग पॉइंट है और उधर नीचे पानी वानी रखने का है, मस्त वाला बिल्कुल। राजकमल दा कैसा लग रहा है दिल्ली आके पहली बार? कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। तेरे को कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। अजय भाई क्या के कोई बोल सकता है क्या? तो गाइस हम लोग कितना 4 बजे तक उतर जाएंगे, हिंडन ही उतरने हमें, ये जाएगी तो कोटा तक लेकिन हम हिंडन उतर जाएंगे। बाकी चलो अभी 1 बज गया, 3 घंटे की जर्नी है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पहुँच जाएंगे हम लोग। मैं आ गया इनके वॉशरूम में, तो वॉशरूम का हाल कुछ यूँ है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बस कितना टाइम हो गया, 2 बजने वाले, 3:35 तक हम लोग हिंडन सिटी पहुँच जाएंगे। शॉर्ट जर्नी है काफ़ी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, रिव्यू देने के लायक नहीं। गाइस अभी बल्लभगढ़ से आगे आगे मथुरा नेक्स्ट है, उसके बाद है भरतपुर, क्या क्या नाम है, फिर हिंडन सिटी 3:38 पर हम लोग बैठे बैठे थक गए, है ना रोनी? रोनी कह रहा मुझे शादी करनी है अब वेडिंग शूट पे नहीं जाना, शादी करना नहीं, 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 मुझे शादी नहीं करनी। इसने मिस कर दी एक चांस कुछ दिन पहले, शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लग रहा है सोचता हूँ तो इधर दर्द दर्द था एक छोटा सा, मेरे को तो लग रहा है कि मैं कुंवारा ही मारूंगा शादी ही ना। और ऐसे ट्रेन जर्नी कैसा लग रहा है, पहली बार आया तो ऐसा, लेकिन थोड़ा खाली खाली रहता तो और अच्छा लगता। हम लोग गेट के पास से खड़े हैं लेकिन भीड़ बहुत है, बाकी हम लोग तो पहुंच जाएंगे लगभग 2 बजने वाले, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, मथुरा आ जाएगा, फिर 2 स्टॉप है, फिर हिंडन सिटी और ये जाती है कोटा। लाइक 600 किलोमीटर ये कवर करती है लगभग 6-7 घंटे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ा चिप्स ले लिया, ट्रेन अभी आधा घंटा लेट हो चुका है और ये खा रहे हैं। आज नहीं उठेंगे, सीधा कोटा जाएंगे। हम लोग अभी उतर गए हिंडन सिटी और लाइक 10 मिनट लेट है, 10-15 मिनट इतना तो ठीक है। यहाँ से गाड़ी करके फिर लोकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ पे शूट तो आज नहीं, आज रेस्ट करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे। रोनी हाउ द जोश? रोनी बहुत दिनों से बोल रहा था कि अजय दा एक दिल्ली का काम हो तो मुझे लेके जाना, तो दिल्ली से भी दूर लेके जा रहा हूँ, आज दिल्ली आए हैं, किसी दिन दुबई भी चले घूमेंगे, हाँ किसी दिन दुबई भी चले जाएंगे। पासपोर्ट बना के रखना पड़ेगा, पासपोर्ट मैं भी अप्लाई करूँगा गाइस। तो चलो अभी गाड़ी, ड्राइवर आ चुका है, वो गाड़ी में बैठते हैं, सामान देख रहे हो, ट्रैवल बैग है सामने, कैमरा बैग है, काफ़ी भारी है। बाकी ट्रैवल ओवरऑल बहुत बढ़िया था, लेकिन टीटी नहीं आया यार, आजकल टीटी नहीं आता,
टिकट होता तो टिटी नहीं आता, टिकट नहीं होता तो टिटी आ जाता है। तो अभी चलो देखते हैं, अभी ड्राइवर कहाँ है। लोग थोड़ा सा गाड़ी साइड करके बैठ गए खाना खाने, और इसको नॉनवेज खाना था, नॉनवेज मिल ही नहीं रहा है। अभी चार दिन तो नॉनवेज नहीं मिलेगा जब तक हम दिल्ली वापस जाएंगे। और बिग बॉस कैसा लग रहा है राजस्थान का खाना? वैसे पनीर, मटर पनीर बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत अच्छा बना। तो बाकी रोटी लेना है किसी को? सॉलिड गाइस, अभी लाइक हम लोग बहुत पहले पहुंच गए थे और मैं रात को लाइक सोने आया हूँ, तब मैं अपना ब्लॉग लाइक एंड कर रहा हूँ। तो जर्नी तो बहुत अच्छे से किया हम लोगों ने, और 3-4 घंटे में ना ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग भी नहीं बन पाता। तो अभी 2 दिन का काम है, तो स्टोरी वगैरह देखना है तो इंस्टा में फटाफट जाके फॉलो कर लेना। और 200 रुपये का टिकट था, 200 भी नहीं, 140 रुपीज़ का टिकट है, बस की तरह 2S, जैसे सबको पता है और जैसे मैंने दिखा अभी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो चलो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।